आपके अच्छा यहाँ कोई एक आप, मुस्लिम ऐसा हो जो पीएचडी में इनरोल हो तो रब्ता कराएं मुझसे, मैं करूँगा उसके साथ बात। आई एम ऑल्सो डूइंग पीएचडी इन आईटी फील्ड आसिम आईटी भाई, फील्ड में आप एंड पीएचडी कर रहे हो? आईटी फील्ड एम एस सी ओके आई टी एम सी ए, आई एम एम एस सी आई टी ओके प्लस एम सी ए। ओके हाँ ओके अब आई ठीक एम, है, चलिए हाँ जी आप आपका टॉपिक क्या है यार? चलिए बहुत बढ़िया है, आप एक पीएचडी वाला मिल गया, हमें तो मिलता नहीं रहता जल्दी। मेरे हाँ जी आसपास के लोग ना मुझसे बड़े परेशान रहते हैं कि मैं बहुत चाटता हूँ उनको। आप आज हाँ पीएचडी जी वाले मिलो, आप ये स्ट्रीम छोड़ो, आप पीएचडी पे आपसे बात करेंगे। टॉपिक बताओ अपना। मेरा टॉपिक ये है कि बेसिक नॉलेज अबाउट आईटी एंड कंप्यूटर साइंस इस जो पे आप पीएचडी स्टूडेंट, कर रहे हो, आपके हाँ पीएचडी का जी, टॉपिक क्या है वो थोड़ा बताएं, फॉर स्टूडेंट्स, क्या क्या मतलब थोड़ा एलोब्रेट करें ना, टॉपिक नाम क्या है, टॉपिक का नाम? फॉर एग्जांपल अगर नहीं आप नहीं फॉर आईटी एग्जांपल नहीं, फील्ड, टॉपिक का नाम देना मुझे, टॉपिक का नाम देते हैं बस। नहीं टॉपिक का नाम वो ही है ना, मैंने बोला बेसिक आईटी नॉलेज एंड कंप्यूटर साइंस के बारे में बता रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा एग्जैक्ट वो नहीं, वर्ड ओम साहब ओम साहब जिसमें ओम टिक साहब मार्क यार, करना माफ पड़ता है ना, करेंगे वो नहीं पता, जिसमें ओम साहब, टिक माफ मार्क करें करना मुझे, इस तरह का टॉपिक लेना अलाउड ही नहीं है पीएचडी में, आप जो टॉपिक बता रहे है। बताता हूँ अभी, बताता हूँ अभी, अभी नहीं बताता हूँ। है आप पक्का? मैं कह रहा हूं आपका जो ये पीएचडी में प्रोफेसर होता है ना मैं बता रहा हूँ, पहले मेरे को ओम बोलने दो साहब, या आप बोल पीएचडी दो, में पीएचडी में पहले आप प्रोफेसर होता बोलो है या ना, मैं बोलता हूँ, पहले आप बोलो या मैं बोलता हूँ। पीएचडी में प्रोफेसर होते हैं ना आपके, जो प्रोफेसर होंगे पीएचडी में हाँ प्रोफेसर होते हैं ना, बिल्कुल, पीएचडी में जिसके प्रोफेसर होते अंडर, हैं, क्या हाँ जैसे आपके यहाँ पर, वहाँ पर बोलते हैं शागिर्दी उसको, लेनी पड़ती बोलते है ना, क्या है तो प्रोफेसर, उसको, उसको क्या बोलते हैं जहाँ पर आपके वहाँ पर जिसके अंडर में, शागिर्दी लेनी जिसके पड़ती अंडर है में ना आप मदरसे पीएचडी के अंदर, करते हैं हाँ उसको क्या जिसके बोलते हैं, अंडर में करनी पड़ती है प्रोफेसर के अंडर, उसको मैं क्या वही बोलते बता हैं, रहा हूँ आप, उसको उसको बोलते क्या है, जिसके वही अंडर में आप बता रहा पीएचडी हूँ, करते हैं उसको बोलते क्या है? वही बता रहा वाह हूँ वाह वाह, आसिम वो भी भाई, तो मेरी बात। बात सुन लो, मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे आप लोग। मैं आपको नहीं बता मैं रहा हूँ, बोल, आप अपने मदरसे के अंदर शागिर्दी लेने वाले को सिर्फ उसी को समझते हो, सबको वो उसी वैसे ही हैं, सारे सारे मदरसे छापनी होते आसिम भाई, ठीक है। मैं जब आपको बोल रहा हूँ तो मेरी बात, एक वो भाई हमारा वो मेरे को काट रहा है और एक आप काट रहे हो, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जब आप पीएचडी करते हो तो एक आपने पर्टिकुलर टॉपिक चूज करना होता है, एक फील्ड चूज करनी होती है, और उसके अंडर आपने एक प्रोफेसर के अंडर अपनी वो अपनी पीएचडी पूरी करनी होती है, ठीक है। तो आप मेरे को बोल रहे हो कि भाई कि आपका टॉपिक क्या, टॉपिक क्या, मैंने बोला कि जब जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं हम अपने, उसमें तो वो एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं पता कि जो एग्जैक्ट वर्डिंग जिसमें हम टिक मार्क करते हैं या जिसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने सेलेक्ट किया है, और मैं आपको बता रहा हूँ, जब जैसे हम कंप्यूटर साइंस या आईटी फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक ही नहीं आता, उसमें मल्टीपल चॉइस नीचे भी आते हैं, ठीक है। तो उसमें से मैंने आपको बताया आसिम इफ्तिकार भाई कि भाई हमने ये किया है, क्या हुआ भाई? पीएचडी खत्म हो गई लग मैं तो बस अब क्या बोलता, मैं खुद क्या समझाता। चले यार ठीक है, करते यार पीएचडी, तुम क्या मेरी क्या हंसी टॉपिक नहीं दब बताया, गई। बेसिक नॉलेज इन आईटी, क्या ऐसा कुछ बताया फॉर स्टूडेंट चिल्ड्रन, कर ले भाई तू पीएचडी कर ले। पीएचडी खत्म, यूनिवर्सिटी और भी पूछ लेते तो थोड़ा मजा और ले लेते हम। और पता नहीं क्या क्या बता रहा, ऑनलाइन अप्लाई ये करते हैं वो करते हैं, अरे यार पीएचडी ऐसे कैसे होती है, ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं वो करते हैं, अरे यार मैं इसलिए म्यूट करके हंस रहा था पीछे बैठ भाई के। पक्का कह रहा हूँ कि हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो गर्क हो जाएगा।